हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट हाजिर जवाब लड़का स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। गांव सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि सभी गांव अब विकसित हो गए हैं और सब लोग जो हैं वॉशरूम का ही यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी गाँव की 40% जो आबादी है बाहर ही फ्रेश होने जाती है, सुबह में भी और शाम में भी। ऐसा ही सेम स्थिति मेरे गांव में भी है। वो बाथरूम बना तो था 1200 रुपये में, अब 1200 रुपये में क्या बनेगा ये पूरे देश को पता है, लेकिन वो बना था 4 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया, तो हम लोगों को भी बाहर ही जाना पड़ता है। अभी मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक जख्मी कछुआ मिल गया। जख्मी इसलिए बोल रहा हूँ, उसका मुँह के सामने थोड़ा सा फटा हुआ है, और तो मैंने सोचा अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर तो कोई पंछी या कोई आदमी नुकसान पहुँचा देगा इसे, या फिर पकड़ के परेशान करेंगे। अभी मैंने पकड़ लिया और लेके चलते हैं गंगा नदी में और वहाँ फेंकते हैं। ये वहाँ पे डाल देंगे तो ये जिंदा बच जाएगा, आराम से पानी में रहेगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने डिब्बे में रख रखा है इसको। ये देखिए इस डिब्बे में है, अभी निकलेगा इसमें से। ये देखिए ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ छोड़ भी देता हूँ ना तो ये बच नहीं पाएगा, इसे किसी न किसी जानवर से परेशानी ही होगी। अब मैं गांव के 2-3 बच्चों को बुलाऊंगा और उनसे बोलूंगा इसे वापस से पकड़ो और डब्बे में डालो। एक बार तो ये इतना हरकत नहीं कर रहा था, अभी बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है तो मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं गाँव के बच्चों को बुलाता हूँ और इसे वापस डब्बे में डाल के लेकर चलते हैं गंगा नदी के पास, फिर वहाँ इसे फेंकेंगे पानी में। सामान्यतः यहाँ कछुआ देखने को नहीं मिलता है, अब मैंने गांव में फ़ोन कर दिया। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुट जाएंगे, ये देखिए आ रहे हैं 2 यहाँ पे, और पीछे से भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। अब इसे पकड़ेंगे और हम लेकर जाएंगे गंगा नदी में। ये देखिए ये इस झाड़ में वो घुस गया है और ये बच्चे आ रहे हैं बारी बारी से। अर्जुन एक डंडा लेके आ जा। अरे बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत छोटा ही है, ठीक ठाक है। जिस तरह इंसान परेशानी में होता है और अपना जान बचाता है, ठीक उसी तरह जानवर भी होते हैं। ये इसमें छुप गया, यहाँ बा। ये रहा ये रहा, हाँ हाँ रुक जाओ कछुआ है। और ये करण आ गया, ये रहा भाई। एक मिनट रुको, मुँह निकाल आगे कहती मोहम्मद कह रहे हाथ पीछे कहती साथ कहले चला अकर उठा कहती डाल डब्बा में ओकर गोड़े कहती डाले मोहे कहती अरे वो निकल जाए बड़वार तो बाहर निकल जाए उनमें से ना पानी कम कहते ना अरे पानी से नहीं तब वो निकल जाए डालो वहां कहती डाला अब लेकर चलो गंगा नदी के पास ये साइड से चलो डब्बा ले ले हाँ ठीक बजो तहूँ जो घरे कहाँ रे घर जाते ना ये देखिए अब इसको कांटा भी चुभ गया है और ये मजे ले रहा है इधर देख ऊपर देखा इस बार अब हम आराम से चलेंगे गंगा नदी तक। ले है चल थकत है का कितना भी जा अब हाँ लाइक चलाओ इत करण घरे ना तय रहते अब ओके सोचे थे जिंदा बच जाए बेचारा Thank you.
यहाँ पर जो इतना जंगल दिख रहा है, पहले यहाँ पर इतना जंगल नहीं था। ये जब से खेती करना बंद हुआ यहाँ पर 7-8 साल से, उसके बाद बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा उग गए, इसकी वजह से यहाँ पे जंगल जैसा माहौल बन गया है। ठंड बढ़ रही है, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, हमारे गांव के लोग, स्थानीय का तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो अलाव जलाने के लिए, गांव में हमारे कौड़ा बोलते हैं, तो उसे जलाने के लिए इसे काट ले जाएंगे, फिर अगले सीजन तक ये हो जाएगा। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ है, इतना ज़्यादा हो गया है कि जंगल जैसा लग रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वापस से। ये देखिए, जंगल इतना घना हो गया है कि इस साइड से उस साइड तक आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक मार कर छोटका मत डालना, भागे कोशिश तो कर भाई। अरे अरे, आ गए हम नदी के किनारे। हाँ, ये जो खेत आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये साइड और ये साइड, यहाँ पे पहले गेहूं, सरसों और मटर बोए जाते थे। 8-10 साल पहले यहाँ पे बिहार से कुछ लोग आए परवल की सब्जी लगाने के लिए। अब ये सब्जी हर साल यहाँ पे उगती है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे फ्री में आप सब्जी वो देंगे तो नहीं खाते हैं, और दूसरी जगहों पे वही सब्जी सेम 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिकती है, और सब बड़े मज़े से खाते भी हैं। खेती होने की स्टार्ट के बाद भी आपको यहाँ पे 12 महीने, साल के 12 महीने ऐसे ही पशु दिख जाएंगे चरते हुए, गाय बछड़े। भैंसों को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो महंगी होती हैं, कोई पकड़ के बांध लेगा, बट हमारे यहाँ गायों को कोई नहीं बांधता। ये देखिए, इस साइड में भी सेम है। आपसे बातें करते करते मैं गंगा नदी के किनारे पहुँच भी गया। अब हम कछुए को नई जिंदगी देंगे। हालांकि जिंदा वो पहले भी था, लेकिन परेशानी में था। परेशानी में जब कोई जिंदा रहता है तो उसे ऐसा लगता है, हे भगवान मुझे मौत दे दे, तो हम मौत ना देकर उसे जिंदगी देंगे। ये रही हमारी गंगा मैया, पीछे जो दिख रही हैं। ये नदी बहुत बड़ी है, यहाँ पे हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत नहाया है। लोगों का मानना है यहाँ पे नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, शायद इसी वजह से पाप भी लोग ज़्यादा करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं पाप करूंगा और यहाँ पे नहाऊंगा तो पाप धुल जाएंगे। और शहरों में स्विमिंग पूल के लिए जो प्राइवेट स्विमिंग पूल होते हैं, जैसे पार्क वगैरह के, तो वहाँ पे हमें पैसे देकर नहाना पड़ता है, वो भी टाइमिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे आइए, आप फ्री में जितना मन करे उतना तैरिए और जितना मन करे उतना नहाइए, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए, पहले हम कछुए को छोड़ते हैं, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। यहाँ पर बना नहीं है अभी तक, क्योंकि गंगा नदी बढ़ी हुई थी। अब गंगा नदी वापस चली गई है। ये देखो, मैं गिरते गिरते बचा। अब इसके बाद हम, मेरा भाई और हम नीचे जाएंगे और इसे छोड़ेंगे यहीं पे। यहीं पे छोड़ दो करण, इसके आगे मत जाओ, यहाँ पे छोड़ो, उसका मुंह नीचे की तरफ करके। अब ये देखिए, अभी निकल नहीं रहा है ये।
अब ये भागेगा पानी में, गया। हमने कछुए की तो जान बचा दी, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे, वीडियो को लाइक कब करोगे? कछुए की जिंदगी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए वहां पर भी फॉलो करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।